अब खबर झुंझुनू के श्यामपुरा चरणवास गांव की है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। सदर थाना अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि श्यामपुरा चरणवास गांव निवासी भगवती सिंह का निधन सोमवार को हुआ। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए मुक्ति धाम पहुंचे, लेकिन पास ही रहने वाले कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया और चिता पर पानी और मिट्टी डालकर उसे बुझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी समझाइश के बाद दाह संस्कार करवाया गया। वहीं पटवारी को बुलाकर जमीन की पड़ताल की, इसमें जमीन मुक्ति धाम की ही बताई गई। मामले की भगवती सिंह ने परिजनों पर दूसरे पक्ष में जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का एक मामला भी दर्ज करवाया। वहीं पीड़ित पक्ष अभी भी मामला दर्ज करवाने के लिए थाने के चक्कर लगा रहा है। श्यामपुरा चाणवास में मदनलाल मेघवाल ने रिपोर्ट दी है कि भाई मेरे मकान के पास में लक्ष्मण सिंह वगैरह ने, उसके परिवार वालों ने, जाति के राजपूत हैं, उन्होंने क्या कि अपने मकान के पास में उनकी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया है। जिस पर मुकदमा कायम हुआ है, मौके पर भी गए थे और हल्का पटवारी मौके पर गया था, तो उन्होंने कहा कि शमशान की जमीन है और शमशान पर ही दाह संस्कार किया गया है। तो इस संबंध में उन्होंने आपत्ति जगाई थी और इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे